नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 व 7 की गणित की कार्य पुस्तिका का कार्य पत्रक 19 हल करेंगे। तो इस कार्य पत्रक को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सबसे पहले हम देखेंगे दक्षता, मिश्रित और अनुचित भिन्न की समझ विकसित कर पाना। तो इस कार्य पत्रक में हम मिश्रित भिन्न व अनुचित भिन्न को समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न है, दिए गए भिन्नों के चित्र निरूपण को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर हमें क में आकृति दे रखी है, 1, 2, 3, 4 आकृतियां पूरी, तो ये आ जाएंगे 4। अब पांचवी आकृति के दो भाग कर रखे हैं जिसमें एक छायांकित है, तो ये आ जाएगा 1/2। 4 से 1/2 इसका मिश्र भिन्न बन जाएगा। ख में है, 4 आकृतियां दे रखी है जिसमें 3 आकृतियां पूरी छायांकित है। चौथी आकृति है, उसके 3 भाग कर रखे हैं जिसमें से 2 भाग छायांकित है, तो 3 से ही 2/3, इस प्रकार ये मिश्र भिन्न बन जाएगा। तो यहाँ प्रश्न है, 3 आकृतियां दे रखी है जिसमें प्रत्येक आकृति को 4 भागों में बांटा गया है। इसमें हम क्या करेंगे, हर में तो लिख देंगे 4, यानी आकृति को 4 भागों में बांटा गया है। अब अंश में आ जाएंगे, कुल कितने भाग है वो छायांकित वाले भाग, तो 4 भाग इसमें 4, 8 और 3 इसके 11, 11/14 ये हो जाएंगे। अब 11 में 14 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, फिर 3 शेष बचाएगा और 4, 2 से 3/4 ये इसका मिश्र भिन्न बन जाएगा। उसी प्रकार अगली आकृतियों में आकृति को 2 भागों में बांटा गया है। अब कुल छायांकित भाग यहाँ देख लेते हैं, 2, 4, 6, 7, 7/2। अब इसका हमें मिश्र भिन्न बनाना है, तो 7 में 2 का भाग गया 3 बार, 1 शेष बच गया और अंश में आ जाएगा 2, 3 से ही 1/2 ये इसका मिश्र भिन्न बन जाएगा। तीसरा प्रश्न, निम्न भिन्नों की तुलना करें और से छोटा से बड़ा का निशान लगाएं। तो इसमें हमें इनकी तुलना करनी है और छोटे या बड़े का जो निशान है वो लगाना है। के में दिया गया है, एक आकृति दोनों तरफ पूरी है, इसमें एक छायांकित भाग है, इसमें 2 छायांकित भाग है। पहले तो हम मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलेंगे, 4 को 1 से गुणा करेंगे, 4 और 1 5, 5/4 ये इसका अनुचित भिन्न आ जाएगा। अब इनके हम हर बराबर करेंगे, तो इसको 2/2 से गुणा कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 3 को 2 से गुणा किया 6 और 2 को 2 से गुणा किया 4। अब ये जो आकृति ये बड़ी होगी, तो ये इस प्रकार ये चिन्ह आ जाएगा। अगर आप इस गणना को नहीं करना चाह रहे तो आप इस आकृति को देख कर भी इसको हल कर सकते हो। इसमें ये जो हर आया है इसकी वजह से इसने क्या किया है, ये जो आकृति है इसको 4 भागों में नहीं मान के 2 भागों में ही इसने माना है, इसलिए एक भाग ये छायांकित, दूसरा ये और तीसरा ये हो जाएगा और 3/2 हो जाएगा। ख में है, इस तरफ 2 आकृतियां, इस तरफ 3 आकृतियां, जिसमें यहाँ पर एक आकृति पूरी है और यहाँ पर 2 आकृतियां पूरी है। तो एक बार इसका हम मिश्र भिन्न बना के देख लेते हैं, 3, 2, 6 से 1/3, तो ये यहाँ पर जो अंक है वो 1 है, इस तरफ 2 है, तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी। और चित्र देख के भी आप इसको हल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक आकृति पूरी है और इसमें दोनों आकृतियां पूरी है। प्रश्न संख्या 4, चौथा प्रश्न है, दिए गए अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में परिवर्तित करें। तो इस प्रश्न में हमें जो अनुचित भिन्न दे रखे हैं तो उन संख्याओं को हमें मिश्रित भिन्न में बदलना है। क में है, 22/3, तो 22 में 3 का भाग देंगे, 7 21, 1 शेष बचाएगा और 3 इसके अंश में आ जाएंगे, 7 से 1/3, 22/3 का मिश्रित भिन्न हो जाएगा। ख में है, 66/12, 12 का भाग जाएगा 66 में 5 बार, 12 5 60 और 6 शेष बचाएंगे 12। अब इसको आप और थोड़ा सरल कर सकते हैं, जैसे 6 में 6 का भाग गया 1 बार और 12 में 6 का भाग गया 2 बार, 5 से 6/12, 5 से 1/2 ये तुल्य हो जाएंगे, आपस में समान हो जाएंगे। तो दोनों में से कोई सा भी एक उत्तर लिखो, पहले तो ये उत्तर आएगा, उसके बाद ये निकाला जाएगा, तो यहाँ तक इसको हल करते हो तो भी सही माना जाएगा। ग में है, 274/20, तो इसको जब हम हल करेंगे तो 274 में 20 का भाग देंगे, 20 से 1 20, 7 से 6 जाएंगे और 74 हो जाएंगे, 20 30 60 और फिर 14 शेष बचाएंगे और 20, 13 से 14/20, इसको आप सरल कर सकते हो, जैसे 14 में 2 का भाग जाएगा 7 और 20 में जाएगा 2 का भाग 10 बार, 13 से 7/10 भी हो जाएगा। अगला घ में है, 536/25, इसको हमें मिश्र भिन्न में बदलना है, 536 में हम 25 का भाग देंगे, 25 2 50, 3 शेष रह जाएंगे और 36 हो जाएंगे, 25 एकम 25, 36 में से 25 घटाएंगे
ग्यारह, ग्यारह बटे पच्चीस, इक्कीस से ही ग्यारह बटे पच्चीस इसका हल हो जाएगा। अगले में चौंतीस बटे सात, सात का भाग चौंतीस में जाएगा, सात चौके अट्ठाईस, छः शेष रह जाएगा छः बटे सात, चार से ही छः बटे सात, ये इसका मिश्र बिन हो जाएगा। अब छः में है सौ बटे नौ, तो सौ में नौ का भाग देंगे हम, नौ एकम नौ, जीरो एक, नौ एकम नौ, ग्यारह बार चला जाएगा और एक शेष बच जाएगा नौ, ग्यारह से ही एक बटे नौ इसका मिश्रित बिन हो जाएगा। पांचवा है दिए गए मिश्रित बिन को अनुचित बिन में परिवर्तित कीजिए। अब हमें मिश्रित बिन दे रखा है उसको अनुचित बिन में बदलना है। तो क में है छह से ही एक बटे ग्यारह है, तो छह को ग्यारह से गुणा करेंगे, ग्यारह छक्के छियासठ और एक को जोड़ देंगे सड़सठ बटे ग्यारह, ये इसका अनुचित बिन हो जाएगा। ख में पच्चीस को गुणा करेंगे हम छह से, पच्चीस छक्के डेढ़ सौ और सात जोड़ देंगे एक सौ सत्तावन बटे छह। ग में इकतीस सही दो बटे तीन, तो इसमें हम इकतीस को तीन से गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे तिरानवे और तिरानवे में दो जोड़ेंगे हो जाएंगे पचानवे, पचानवे बटे तीन, ये इसका अनुचित भिन्न हो जाएगा। इस प्रकार इस वीडियो में हमने कार्यपत्रक 19 को हल किया। अगले वीडियो में हम अगला कार्यपत्रक हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।